लगाना कैसे है, मान लीजिए क है, क जैसे हमने पूरे आ की मात्रा में क से लेकर श तक हमने मात्रा लगाई थी, वैसे ही हम हर मात्रा को हर वर्ड में लगाएंगे, उसका उच्चारण देखेंगे। क है, क में हमने क्या किया, इसके बिल्कुल पीछे हर वर्ड के पीछे तो राइट हैंड साइड पे एक आकार डंडा जो हम लगाते हैं वो, इसके बाद हमने ऊपर से इन दोनों को ऐसे मिला दिया, ये क्या हुई बड़ी की मात्रा। तो क में जो बड़ी की मात्रा लगी इसका साउंड क्या निकला, की। ओके ठीक है, तो हम इसी तरह से सभी वर्णों में इसका साउंड हम देखेंगे। आपको क्या करना है, अ की मात्रा लगेगी उसके ऊपर जस्ट इतना सा आपको लगाना है की, ठीक है। तो आपको जस्ट यहां से स्टार्ट करेंगे और ये होगी बड़ी की मात्रा, घी, घी, ची, ची, जी, झमे लगी बड़ी की मात्रा जी, यहां में कोई मात्रा नहीं लगाई जाती, ट, ट में बड़ी की मात्रा लगाई क्या बन गया टी, ठ में बड़ी की मात्रा लगी क्या बन गया थी, डी, और ढ में बड़ी की मात्रा लगी तो दी, ल, ल में बड़ी की मात्रा लगी तो ली, नी, नी। हमें स्ट्रेच करके बोलना है बड़ी मात्रा, त में बड़ी की मात्रा लगेगी तो ती, थ में थी, द में मात्रा लगेगी तो बड़ी की दी, ध में बड़ी की मात्रा धी, न में बड़ी की मात्रा नी। ये इनका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये साउंड निकलेगा मात्रा लगने के बाद, प में बड़ी की मात्रा लगने के बाद पी, फ में लगने के बाद फी, ब में बड़ी की मात्रा लगने के बाद बी, भ में लगने के बाद भी, म में लगने के बाद मी, य में लगने के बाद यी, र में लगने के बाद री, ल में बड़ी की मात्रा के बाद ली, व, व, व में बड़ी की मात्रा लगाई तो बन गया वी, श, श में बड़ी की मात्रा लगाई बन गया शी, श में लगाई बन गया शी, स में बड़ी की मात्रा लगी तो बन गया सी, ह में बड़ी की मात्रा लगी तो बन गया ही, क्ष, क्ष में बड़ी की मात्रा लगी तो बन गया क्षी, क्षी, त्र, त्र में बड़ी की मात्रा लगी तो क्या बना त्री, ग्य, ग्य में बड़ी की मात्रा लगी तो बना घी, घी, ग और य इन दोनों का साउंड एक साथ मिलकर बनता है ग्य, और इसमें ही की मात्रा लगता है घी, श, श से श्रोता, इसमें जब बड़ी की मात्रा लगती है तो इसका साउंड होगा श्री, श्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इस सेशन में हमने कंप्लीट की बड़ी की मात्रा, आप लोग नोटबुक में बड़ी की मात्रा लगाएंगे और उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके, अभी हमने बोर्ड पे देखी कि ई की मात्रा हमने कैसे की, हम राइट हैंड साइड से उस मात्रा को लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये वर्ण है, इस वर्ण के राइट हैंड साइड से हमारा राइट हैंड साइड ये वाला है, तो हम इधर से ये मात्रा उसके ऊपर लगाते हैं। ओके, बड़ी ई में और छोटी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस है, छोटी ई की मात्रा वर्ण के आगे से लगती है, लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से। ओके, और बड़ी की मात्रा वर्ण के लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब उसके पीछे से, यहाँ से लगती है। डिफरेंस समझ में आ गया सबका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने और सभी वर्णों में सारी मात्राएं लगाई हैं, हम इसमें भी वही करेंगे, मात्रा लगाएंगे सभी वर्णों में। ओके ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क में बड़ी की मात्रा लगी, जिसे हमने बोर्ड पे देखा था, की, स्पीडली लगाएंगे फटाफट, खी, घी, घी। ओके, जैसे मैंने कलर लिया है, आप भी कोई कलरफुल से लगा सकते हैं, आप डिफरेंट कलर यूज़ करने से आपको वो मात्रा जल्दी और अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। च में लगाई ची, छ में लगाई छी, जी, झी, टी, ठी, डी, धी, नी। ओके, ती, थी, दी, धी, नी। ओके, देन पी, फी, बी, भी, मी,
हुई हमारी वर्णों पे, हमने सभी वर्णों पे बड़ी की मात्रा लगा ली, कंप्लीट कर ली। ओके, अब हम इसके शब्द देखते हैं। ठीक है, आइए ये, ठीक है, ई की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। ओके स्टूडेंट्स, आपको जैसे हमने आ की मात्रा में, ई की मात्रा में किया है, ओके, अब जैसे हम क्या करेंगे, हमने पहले वाले उसमें किया था, ये प्लस हम हटाते जाएंगे। हम पहले लिखेंगे क, प्लस हटाया, देन बड़ी ई की मात्रा, की, प्लस हटाया, फिर हम लिखेंगे ल, क्या बन गया, ये कौन सा वर्ण बना, कील, कौन सा वर्ड बना, कील। आप कील ही बोलते हैं ना, किल तो नहीं बोलते। तो बड़ी मात्रा में छोटी मात्रा में डिफरेंस समझ में आया, जैसे हमने कल लिखा था तिल, क्योंकि छोटी की मात्रा थी, हमने बहुत कम स्ट्रेस किया, और ये बड़ी की मात्रा है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कील। नेक्स्ट है च, लिखो, च लिखने के बाद प्लस हटा देंगे, बड़ी की मात्रा, देन ल, चील, हो गया चील। ठीक है, नेक्स्ट आइए थर्ड नंबर पे, श लिखिए, शलगम वाला श, बड़ी की मात्रा, शी, वापस श, फिर आ की मात्रा, शा, क्या हो गया ये, शीशा, क्या हुआ ये, शीशा। आप पढ़ते भी जाइए साथ में, वापस यहाँ लिखेंगे हम स, बड़ी की मात्रा, क्या हुआ, सी, फिट, फिर बड़ी की मात्रा, टी, सी टी, क्या हुआ, सी टी। अब छोटी ई की मात्रा दिख रही है हमें, सबसे पहले हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, देन तो छोटी की मात्रा किस में लगी, तो देख लिया जी, आपके प्रैक्टिस के लिए छोटी की मात्रा भी है, ती, प्लस हटाने के बाद वापस तो, त, ओके, देन ल, अब ल के बाद बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा किसमें लगाई, ल में, कौन सा वर्ड बन गया, ये शब्द क्या बना, तितली, हम ऐसे ही पढ़ते हैं तितली को, ऐसे ही बोलते हैं तितली। डिफरेंस समझ में आ रहा है छोटी की मात्रा का और बड़ी की मात्रा का, जहाँ छोटी की मात्रा लगाई है वहाँ पे बहुत कम हम स्ट्रेच कर रहे हैं, फटाफट से बोल रहे हैं तितली, और जहाँ बड़ी की मात्रा है वहाँ पे हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वर्ड देखिए, ये वाला जो है, ये देखिए आप, बड़ी छोटी की मात्रा है, वापस आपको समझ में आएगा यहाँ। ठीक है, म में बड़ी की मात्रा लगाई, प्लस हटाया, वापस छ लिखा, प्लस हटाया, वापस आ की मात्रा, वापस ये बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा नहीं है लेकिन ई तो बड़ी है, तो हम स्ट्रेच ज़्यादा ही करेंगे इसको। मिठाई, मिठाई, हम ऐसे ही बोलते हैं मिठाई। ओके, समझ में आ गया, तीनों मात्राएं आ गई, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तीनों में आपको प्रोनंसिएशन में समझ में आ रहा है डिफरेंस। मिठाई लास्ट वर्ड है आपका, लिखिए म, प्लस हटा दीजिए, आ की मात्रा, देन ल, प्लस हटा दीजिए, बड़ी की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसे हम, माली, ऐसे पढ़ते हैं जो हमारी गार्डन्स में प्लांटेशन करते हैं, हमारे गार्डन का ध्यान रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, माली। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैम ने दी हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने बनाई हैं। ठीक है, अब आपको इन पिक्चर्स को पहचान करके आपको ये शब्द यहाँ लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर किसकी है, देखिए ये फर्स्ट पिक्चर किसकी है, इसे हम फूल कहेंगे क्या, नहीं ना, ये क्या है, कली, क्या है ये, कली, पूरा फूल बनने से पहले क्या होता है, कली, पहले कली आती है ना पौधे में, यस, तो कली, कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की, कली, डिफरेंस समझ में आया। ओके, ये किसकी पिक्चर है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, छाता और छतरी, तो छ जो मैं बोल रही हूँ वो मैं लिख रही हूँ, छ त री, री, र में बड़ी की मात्रा, आपको बोलने पे ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि कौन सी मात्रा का प्रोनंसिएशन किया जा रहा है, क
कहाँ स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम। ओके नेक्स्ट, किसकी पिक्चर है ये? विसिल हम बजाते हैं ना, सी टी, सी टी ऐसे ही बोलते हैं ना, सी टी तो नहीं बोलते थे? यस, तो मतलब हम स्ट्रेच कर रहे हैं दोनों वर्णों पर, तो सी और टी, स में और ट में दोनों में किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। ओके नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? तितली। अभी जस्ट पहले हमने लिखा ही था, त में छोटी की मात्रा, ती फिर त, इसमें मात्रा नहीं है, दली बड़ी की मात्रा, तितली। ओके यस, अब ये क्या है? एलिफेंट। क्या बोलते हैं एलिफेंट को साहब? हाथी, हाथी राजा है ना, तो हा ह, ह ह में आ की मात्रा, फिर थी थ, थ में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया ये? हाथी। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी बड़ी की मात्राएं कंप्लीट हो गई इस सेशन में। ओके तो सभी आप लोग अब बड़ी के शब्दों को भी इजीली पढ़ सकते हैं और अच्छे से प्रोनंसिएट कर सकते हैं। ओके थैंक यू।